तो वेलकम बैक। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, देर आर 14 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स इन अ स्कूल बैडमिंटन टीम। हमारे पास एक स्कूल की बैडमिंटन टीम है जिसमें 14 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है उसमें हमने रेशियो फाइंड करनी है, किसकी? द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ की गर्ल्स के साथ। यानी जितने इसमें बॉयज़ इस टीम का हिस्सा हैं और जितनी गर्ल्स इस टीम का हिस्सा हैं इस बैडमिंटन टीम के, हमने उनकी रेशियो फाइंड करके दिखानी है पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में हमारे पास जो है हमने रेशियो फाइंड करनी है द नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन द टीम। गर्ल्स की रेशियो फाइंड करके दिखानी है। टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स का मतलब है जो टोटल प्लेयर हैं गर्ल्स को और बॉयज़ को मिलाकर इस बैडमिंटन टीम में, उनकी रेशियो फाइंड करके दिखानी है। तो पहले पार्ट में सिर्फ बॉयज़ की रेशियो गर्ल्स के साथ निकालनी है और दूसरे पार्ट में हमने गर्ल्स की रेशियो टोटल प्लेयर्स के साथ निकालनी है जो कि इस बैडमिंटन टीम का हिस्सा है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने डेटा जो है क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन डेटा मैंने पहले से लिख लिया है, हमें ये चीज़ें पहले से गिवन हैं। तो बॉयज़ हमारे पास थे टोटल 14 और गर्ल्स जो हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वो हैं 25। तो मैंने टोटल प्लेयर्स भी निकाल लिए हैं। टोटल प्लेयर्स का मतलब है जो बॉयज़ को और गर्ल्स को मिलाकर हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। तो बॉयज़ थे 14, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है और उसमें ऐड किए हुए हैं, ऐड किया हुआ मैंने गर्ल्स को यानी 25। तो 14 प्लस 25 मेरे पास बन गए 39। यानी बॉयज़ हो गए 14, गर्ल्स थी 25। तो टोटल प्लेयर्स जो हैं हमारे पास वो बन गए 14 प्लस 25 यानी 39। तो सबसे पहला पार्ट जो है उस पर हमने रेशियो निकाल के दिखानी है बॉयज़ की गर्ल्स के साथ। तो मेरे पास बॉयज़ कितने हैं मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। मेरे पास रेशियो निकलेगी यहाँ पर बॉयज़ की गर्ल्स के साथ। पहले पार्ट में हमने ये फाइंड करके दिखानी है बॉयज़ की रेशियो गर्ल्स के साथ। तो बॉयज़ मेरे पास कितने हैं 14, तो इसके नीचे लिख दूंगा 14 रेशियो। गर्ल्स मेरे पास कितनी है 25, तो गर्ल्स के नीचे आ जाएगा 25। और आप देखें कि ये 14 और 25 कोई ऐसी आपके पास वैल्यू नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे एक ही वक्त में। यानी अगर आप देखें 14 2 के टेबल में और 7 के टेबल में आप कह लें आएगा, या आप यूँ इस तरह कह लें कि 14 डिवाइड हो जाएगा 2 से और 14 डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो 2 और 7 जो है 25 को डिवाइड नहीं करने वाले। तो इसका मतलब है कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिल रहा है जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो आपके पास जो पहला पार्ट है वो बहुत जल्दी से सॉल्व हो चुका है, वो है 14 रेशियो 25, जो उन्होंने आपसे रेशियो डिमांड की थी कि आप बॉयज़ की रेशियो निकाल कर दिखाएं गर्ल्स की, गर्ल्स के साथ। तो ये आपके पास बॉयज़ की वैल्यू 14 थी, गर्ल्स की 25 थी, जस्ट पुट किया तो यही आपके पास रेशियो बन गई 14 रेशियो 25, इस पहले पार्ट का आंसर। अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट। तो ये मेरे पास इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी हमने रेशियो फाइंड करनी है किसकी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स की किसके साथ, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स के साथ। यानी गर्ल्स की रेशियो निकलेगी टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स। तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं सेक्शन। तो मेरे पास सबसे पहले गर्ल्स को मेंशन है यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपीयर हो रही है मेरे पास डाटा में वो गर्ल्स हैं पहले। तो गर्ल्स की रेशियो बनेगी किसके साथ, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स के साथ। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो मेरे पास गर्ल्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन थी क्वेश्चन में, वो है 25। तो यहाँ पे लिखूँगा 25 रेशियो। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स का मतलब है टोटल बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर जो इस बैडमिंटन टीम का हिस्सा है, वो यहाँ पे मैंने निकाल ही चुका हूँ पहले, वो है मेरे पास 39। तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की जगह पर आएगा 39। तो ये ही आपके पास इसका फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर किसी भी सेम नंबर पर डिवाइड नहीं होंगे। तो अगर ये डिवाइड हो रहे होते तो हम इन दोनों को डिवाइड करते और वो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर होता, लेकिन 25 और 39 आपके पास किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर होगा वो यही बनेगा, यानी 25 रेशियो 39। तो ये दोनों पार्ट हमारे पास हो गए हैं जो कि बहुत ही आसान थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सिर्फ डाटा पुट करने से ही ये सॉल्व हो गए हैं।